धर्म ग्रंथों के अनुसार जब धरती पर अधर्म ने पैर पसारना शुरू कर दिया था, तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर वापस धर्म को स्थापित किया था। शास्त्रों में भगवान विष्णु के कुल 24 अवतारों के बारे में बताया गया है, जिसमें से उनका कल्कि अवतार होना अभी बाकी है। आज हम अपने इस वीडियो में आपको उनके कल्कि अवतार के बारे में ही बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अपने आज के वीडियो को शुरू करते हैं। कल्कि अवतार को भगवान विष्णु जी का भविष्य का 10वां अवतार माना जाता है। मान्यता ये है कि कल्कि अवतार के बाद कलयुग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन ये अवतार कब होगा, कैसा होगा, इस बात को लेकर हमारे मन में कई सवाल आते हैं। आइए उनके जवाब ढूंढने की एक कोशिश करते हैं। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। सनातन धर्म के अनुसार अधर्म को खत्म करने और सतयुग को वापस लाने के लिए ये अवतार होगा। कल्कि अवतार लेकर श्री हरि धरती पर से पापियों का नाश करेंगे और फिर से धर्म को स्थापित करेंगे। अब जानते हैं कि कब होगा ये कल्कि अवतार। धर्म ग्रंथों की जानकारी के अनुसार कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हो गई थी। श्री कृष्ण जी के पृथ्वी लोक से जाते ही कलयुग का पहला चरण शुरू हो गया था। पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर कलयुग आयु तकरीबन 4,32,000 साल की होगी। अभी तो हम कलयुग का पहला चरण देख रहे हैं। अगर हम आज देखें तो 3102 और 2023 को मिलाकर आज कुल 5125 साल कलयुग के बीत चुके हैं और इसके मुताबिक 4,26,875 साल अभी बचे हैं। कल्कि अवतार का जन्म कलयुग के अंत में होना है। श्रीमद् भगवत पुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक में बताया गया है कि जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब भगवान कल्कि अवतरित होंगे। कलयुग की समाप्ति और सतयुग के संधि काल में कल्कि अवतार अवतरित होंगे। पुराणों में श्री हरि के 10वें अवतार की जो तिथि बताई गई है, उसके अनुसार भगवान सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि के दिन जन्म लेंगे। अब जानते हैं कि कहां होगा कल्कि अवतार। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार संभल गांव में होगा। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संबल गांव में भगवान विष्णु का 10वां कल्कि अवतार होना है। कैसा होगा कल्कि अवतार का स्वरूप? अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान को धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। कल्कि भगवान देवदत्त नाम के एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और पापियों का विनाश करेंगे। ये अवतार 64 कलाओं से संपूर्ण होगा। इनके गुरु चिरंजीवी भगवान परशुराम होंगे, जिनके निर्देश पर कल्कि भगवान शिव की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर अधर्म का अंत करेंगे। तो ये था आज का वीडियो कल्कि अवतार के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।